हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे माइनक्राफ्ट हार्डकोर सीरीज के एपिसोड नंबर 5 में। तो गाइस, हमने लास्ट एपिसोड में एपिसोड नंबर 4 में हमने हमारा स्टार्टर बेस बिल्ड किया था एंड साथ ही में हम हमारे दो फार्म्स भी क्रिएट कर दिए थे वीट के, जिसके आप देख सकते हो एंड ग्रो होना भी स्टार्ट हो चुकी है ये वीट फार्म्स। तो गाइस, आज के एपिसोड में हमारा गोल रहेगा बहुत सारा आयरन एंड कोल ढूंढना, बिकॉज हमने लास्ट एपिसोड में बहुत सारे रिसोर्स हमने यूज़ किए थे। सो अब हमारे पास बहुत कम रिसोर्सेज बच चुकी है एंड साथ में हमारे पास फॉर्चून 3 पिकैक्स भी है जो कि हमें बहुत सारा हेल्प कर सकता है ज़्यादा आयरन और कोल माइनिंग करने के लिए। एंड साथ ही में हमने एपिसोड नंबर 3 में जब हम स्ट्रिप माइनिंग करने के लिए नीचे जा रहे थे तो हमें कुछ माइन शाफ्ट मिले थे, आई थिंक सो 3 माइन शाफ्ट मिले थे। तो आज हम वो तीनों माइन शाफ्ट एक्सप्लोर करने वाले हैं एंड होप करेंगे हमें कुछ डिसेंट सा आयरन मिल जाए एंड डिसेंट सा कोल मिल जाए, सो हमें बार बार आयरन आई कोल माइनिंग ना करना पड़े। एंड एक्चुअली बहुत जल्द हम हमारा आयरन फार्म भी क्रिएट करने वाले हैं जो कि स्पॉन पॉइंट के बाजू में ही करेंगे, हमारे बेस के बाजू में ही करेंगे, तो बहुत जल्द करेंगे। तो तब तक के लिए तो आयरन हमें लगने वाला है, तो आज हम जाने वाले हैं माइनसर्ट्स में आयरन माइन करने के लिए। तो बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस क्या कर रहे हो, गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, मतलब चैनल थोड़ा ग्रो हो जाता है। एंड साथ ही में आप जैसे देख सकते हो हम लेवल 30 पे है, तो एंड हमारा पिकैक्स की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। तो अब ये काम करेंगे, दूसरा डायमंड पिकैक्स बनाएंगे एंड उसको एन्चेंट करेंगे, देखते हैं उससे क्या मिलता है। तो सबसे पहले स्टिक ले लेंगे, दो डायमंड्स हमारा, ओके 3 डायमंड्स है। एक काम करेंगे, एक डायमंड पिकैक्स बना लेंगे सबसे पहले, डायमंड पिकैक्स। इसमें कुछ लैपिस भी आई थिंक सो लैपिस का ये लैपिस इंसर्ट करके देखेंगे हमें क्या मिलता है। ओके, अनब्रेकिंग 3 है, चलेगा, अच्छी बात है। एंड एफिशिएंसी 4 है, तो अगर हम इसको एंड उसको अगर कंबाइन करते हैं तो हमें एफिशिएंसी 5, अनब्रेकिंग 3 एंड फॉर्चून 3 पिकैक्स मिल सकता है, जो कि बहुत सही है यार, बहुत सही। एंड आई थिंक अब हम रेडी हैं, खाना भी हो चुका है, टूल्स भी है, शील्ड भी ले लिया हमने, टॉर्चेस भी है, जब थोड़ा सा कोल और ले लेंगे, एक स्टैक वुड ले लेंगे साथ में, स्टिक्स ले लेंगे एंड कोल ले लेंगे साथ में, बिकॉज कोल हमें लगने वाला बहुत सारा, ये रहा कोल, कोल ले लेंगे, कुछ और टॉर्चेस बना लेंगे बिकॉज टॉर्चेस इंपॉर्टेंट है। तो अब हम आई थिंक सो रेडी है माइनिंग करने के लिए, तो अब चलते हैं माइनिंग करने के लिए। उसमें टॉर्च लगा देंगे यहाँ पे, कोई भी माउस स्पॉन ना हो जाए। एंड ये दो चीज हमने लूट कर लिए थे, अगर आपने अब तक पिछले एपिसोड नहीं देखे तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लो। हमने मतलब स्ट्रीप माइनिंग की थी जब फॉर्चून 3 के लिए गए थे, नेदर भी एक्सप्लोर कर लिया था, बहुत सारा फोन भी किया था हमने। ओके, यहाँ पे केव आई थिंक सो, केव एक्सप्लोर नहीं करेंगे, अब इस नीचे आ जाएंगे एंड ये ले लेंगे पहले। हाँ, कब से स्पाइडर की आवाज़ आ रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है। अच्छा हुआ कि ऑरिजिन स्पाइडर नहीं था, एंड होप करें हमें पॉजिटिव स्पाइडर के स्पॉनर मिल जाए, बिकॉज हमें एक एसपी फार्म भी बनाना है, तो आई थिंक जो मतलब पॉजिटिव स्पाइडर का मतलब फार्म बनना पड़ेगा, देखते हैं मिलते नहीं मिलता है। एक और चेस्ट है, चलो चेस्ट में क्या है, चलो कुछ थोड़ा सा कोल मिल चुका है, रेड स्टोन भी है, चले आयन आयन बहुत सारा है, चलो बहुत सही है। एक नेम टैग एंड कुछ टॉर्चेस, चलो ठीक है, डिसेंट लूट है, यहाँ पे कुछ नहीं है, है ना। चलो हमारे पास चांसेस भी रहेंगे कि इसमें से हमें अगर ये मिलता है तो क्या बोलते हैं उसको, एनचेंटिंग गोल्डन एप्पल्स, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, बस उम्मीद कर सकते हैं मिल जाए हमें। एंड मुझे एक और चेस्ट दिख रहा है, तो पहले वहाँ चले जाएंगे, देखते उस चेस्ट में क्या है। रिसोर्सेज कुछ मिल नहीं रही यार, हमारा मेन गोल रिसोर्सेज था। और एक और काम करेंगे, बिकॉज हम अगर माइंड सेट में जाए तो एक और काम ये करेंगे कि ये ले लेंगे, कॉप वेब्स ले लेंगे, तो डेकोरेशन के लिए अच्छा रहेंगे बाबू का कॉप वेब्स। ओके, टॉर्च लगा दो, कुछ नहीं है, ठीक है। ओके चलो, दो ग्लोबेरीज है, ठीक है, और क्या है, मेलन सीड्स है, चलो ये ले लेंगे। ओके, स्पाइडर की आवाज़ आ रही है आसपास के, तो स्पाइडर है, वेट अ मिनट, पॉइजन स्पाइडर का स्पॉनर है आई थिंक सो, लग तो रहा है, पहले तो माइन कर लेंगे, इतनी सारी कॉब वेव स्पॉनर के पास ही रहती है जनरली, लेकिन यहाँ पे तो स्पॉनर ही नहीं, इतनी सारी कॉब वेव्स का है को यहाँ पे। एंड यहाँ पे डेड एंड है, लेकिन आयरन इंपॉर्टेंट,
आयरन ले लेंगे पहले, थोड़ा सा कोल भी है, सॉरी गोल्ड है, गोल्ड इंपॉर्टेंट है। तब अपने नेदर एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे, तब ये गोल्ड बॉल काम आने वाला है। ये केव कहाँ तक जा रही है? लड़ो लड़ो लड़ो, यस फाइट। क्या क्या काम के मॉन्स्टर बनेंगे यहाँ पे, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ये ले ज़ॉम्बी सी, वो से आवाज आ रही है यार, दो तीन ज़ॉम्बी की आवाज आ रही है सर की। बेबी ज़ॉम्बी भी है के कहाँ पे, ये सब यहाँ से आवाज आ रही है बेबी ज़ॉम्बी की। इस बस नीचे स्पॉनर स्पॉनर, हो 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 हो। मैं सोचूं यार इतनी सारी आवाज कहाँ से आ रही है, वो सोच कब से आवाज आ रही है ज़ॉम्बीज की। हाँ हाँ स्पॉनर बस, चलो पहले सोच लाइट टॉर्च 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 लगा देंगे, ठीक है ठीक है। एंड विच की भी आवाज आ रही है, तो आसपास विच भी है, पहले को थोड़ा टॉर्च कर देंगे सो कोई और ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो जाए। विच का है पता नहीं, आवाज तो आ रही है कहां से विच की। एंड फाइनली हमें स्पॉनर मिल चुका है, लिटरली बहुत सही स्पॉनर है। एंड मैं एक्चुअली सोच ही रहा था बिकॉज हमें एक एसपी फार्म की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो एसपी फार्म मतलब कैसे बनाएंगे, तो फाइनली स्पॉनर तो मिल चुका है। विच की आवाज कहां से आ रही है, ओके पहले कॉर्नर्स ले लेंगे इसके, कॉर्नर्स इंपॉर्टेंट है। एंड लूट में कुछ नहीं है, चलो एक और चेस्ट गोल्डन एप्पल, चलो ठीक है, चलो कोई डिसेंट सी लूट मिल चुकी है। मेल सीट भी ले लेंगे, सब विलेजर यहाँ पे मस्त। इसके बाद टूल भी है, मतलब ये स्पॉन मतलब डिस्पॉन तो नहीं होने वाला है आई थिंक, ओके। अगर आपको नहीं पता तो अगर मतलब क्या विलेजर के पास कोई ज़ॉम्बीज के पास अगर कोई टूल रहता है तो एक मतलब क्या कस्टम बन जाता है, वो एक कस्टम विलेजर, ठीक है। इसको पहले इसको ब्लॉक कर देंगे यहाँ पे, इसको लॉक कर देंगे एंड इसके कॉर्नर्स ले लेंगे। यस ज़ॉम्बी विलेजर, इसको हील करना पड़ेगा बाद में ऊपर जाके, सो हम एक मेंडिंग विलेजर बना सके बिकॉज हमारे अभी तक कोई विलेज मिला ही नहीं है। तो फिर चलो पहला विलेजर तो मिला एंड ये हमने लूट लिया था। इसमें क्या है, एक्वा एफिनिटी, चलो ठीक है बुक मिल चाची, कुछ कोल है एंड गोल्ड है, चलो बी टू चीज नहीं चाहिए, चलो ठीक है। तो डिसेंट सी लूट तो मिल रही है, अच्छी बात है। एंड मुझे सामने कुछ तो अभी साइन ही दिख रहा है, हाँ कुछ साइन ही मस्त ब्लू ब्लू दिख रहा है मेरे को, बहुत ही खूबसूरत चीज़ मिली हमें। दो है आई थिंक, सो दो ही है, दो तीन प्लीज, कुछ तो ज़्यादा रे जा नहीं है, चलो दो ही है, कितने मिलते देखते हैं। दो से पाँच मिले, चलो ठीक है, इसलिए फॉर्चून थ्री एक्चुअली बेस्ट है, सबसे बेस्ट है लिटरली। लेकिन हमें आयरन नहीं मिला अभी तक, आयरन ढूंढना पड़ेगा पहले वापस। डायमंड्स और यस 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 यस, दो में से और चल तीन ही मिले और डायमंड्स है हमें। ओके पॉइजन स्पाइडर दिख रहे मेरे को, इसका मतलब एक ही है, आसपास कहीं तो भी है ये रहा। अरे अरे अरे, पहले इसको लाइट अप करो, लाइट अप लाइट अप लाइट अप लाइट अप लाइट अप लाइट अप लाइट अप, चलो ठीक है। इसके कॉर्नर्स ले लेंगे एंड अब निकल पड़ेंगे वापस से आसपास के तो एक्सप्लोर करने के लिए। स्पाइडर की आवाज़ तो आ रही है बहुत सारी, लग रहा है स्पॉनर है आसपास के तो भी, ठीक है। ये सेट स्पॉनर, ये रहा स्पॉनर है, स्पॉनर है। ये स्पाइडर सबसे बेकार मॉब है यार, बेबी बेबी ज़ॉम्बी के बाद कोई भी अगर बेकार मॉब है वो है ये स्पाइडर्स, कोई पॉइजन वाले स्पाइडर्स सबसे बेकार है। चलो यहाँ पे कुछ नहीं है, चलो यहाँ पे भी कुछ नहीं है,
इस माइंडसेट में बिल्कुल भी रिसोर्स नहीं मिली है, आए तो बिल्कुल भी नहीं मिला हमें। तो अब एक काम करेंगे, वापस ऊपर चले जाएंगे। ये क्या है, कुछ नहीं है, चलो वापस हम हमारे बेस के पास चले जाएंगे। एंड वो बेस कहाँ है मैं भूल गया। एंड गाइस यहाँ पे भी कुछ भी रिसोर्स नहीं मिला, माइंडसेट कुछ तो नहीं, कुछ भी नहीं मिला। बट एटलीस्ट हमें स्पॉनर तो मिल चुके हैं जिससे हम एक्सपी फार्म बना सकते हैं। तो अब यहाँ से निकल लेंगे बाहर, अभी तक हमें आयरन और चाहिए, बिल्कुल भी आयरन नहीं मिला। कोल्ड डिस्ट्रिक्ट मिल चुका है लेकिन आयरन नहीं मिला है। तो आयरन के लिए आई थिंक सो कई और केव ढूंढनी पड़ेंगी। चलो निकलते हैं वापस यहाँ से बाहर। अब हम निकल लेंगे हमारे लश्केव के पास। इसलिए एक अजेनेटरी है, सब सो वापस एक बड़ी सी लश्केव मिल जाए। एंड आयरन से आयरन बिल्कुल भी नहीं मिला अभी तक हमें। आज हमारा मेन गोल आयरन ही है, सो हम एक एनविल बना सके। एनविल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब ये राज इलेक्ट्री उस तो नीचे मैंने कहीं एज इलेक्ट्री तो देखा था। जब ये रहा हमारा स्पॉन पॉइंट थोड़ा सा दूर है, तो चलो अच्छा हुआ। अब देखते कितना नीचे जाना पड़ेगा, होप सो ज़्यादा नीचे ना जाना पड़े। इसको ऊपर रख देंगे, या एक्चुअली ये क्यों लेके आया मैं शीयर्स। एंड इसके नीचे डिग करना स्टार्ट करेंगे। एंड फाइनली हम लश्केव में आ चुके हैं। अब एक लश्केव में आ चुके हैं हम फाइनली। तो एक काम करेंगे, इसको मार्क कर देंगे तो हमें याद रहे कहाँ से आए थे। जब आयन नहीं, अब आयन है यहाँ पे। आयन, यस यस आयन तो बहुत सारा है। चलो बच गए। डायमंड्स भी, चलो एटलीस्ट डायमंड्स तो मिले। तो ये बार अच्छी चीज मिल चुकी है। सांस ले सकता अभी। देखते कितने डायमंड्स हैं पास। डायमंड्स कितने, 12। हाँ मस्त था। चलो मैंने 4 में से 12 डायमंड मिल चुके हैं। हो, अगर थोड़ा सा नीचे गिरा तो डेथ है हमारी। हाँ, इतने जल्दी नीचे नहीं जाएंगे, पहले ऊपर ऊपर ही चलेंगे। ऊपर ऊपर जितने भी रिसोर्स है वो ले लेंगे। ये क्या हुआ, ये एक अजीब सा है। हम क्रॉल कर रहे हैं नीचे से, ठीक है। फिर क्रॉल करते करते ये सेट जाएंगे। उश, बच गए। हमारा आयरन मिल चुका है। आयन आयन आयन, यप। कितना खूबसूरत दिख रहा है। एक्चुअली लश्केव वन ऑफ द बेस्ट बायो में से एक है, मेरे को बड़ा पसंद लश्केव। जैसे आप देख सकते हो कितना खूबसूरत दिख रहा है ये केव। जैसे नीचे जा रहा है, वाओ लिटरली वाओ। नीचे जाने का थोड़ा डर भी लग रहा है मेरे को। ओके, 2.5 स्टैक तो डायमंड, आई मीन आयरन मिल चुका है। एंड और 4 ज़ॉम्बीज जस्ट स्पॉन हुए, अभी जस्ट सामने स्पॉन हुए। नीचे जाने में थोड़ा डर लग रहा है मेरे को, कुछ रिस्क ले लेंगे। अभी तो हमारे पास आयन डायमंड आर्मर तो है लेकिन वो एन्चेंटेड नहीं है, सो रिस्क तो नहीं लेंगे बिल्कुल भी। चलो भाई ऊपर चलते हैं। एंड होप सो ऊपर और थोड़ी सी रिसोर्स मिल जाए हमें, जैसे कि लैपिस है। चलो चल ठीक है, होप सो ऊपर और थोड़ी सी रिसोर्स मिल जाए तो नीचे जाने की जरूरत ना पड़े। एक बार जब हमारा फुल एन्चेंटेड आर्मर बन जाएगा ना, पूरा एन्चेंटेड, तब हम जाएंगे नीचे कुछ रिसोर्स माइनिंग करने के लिए, आई मीन एकदम डीप में। तब तक के लिए जितना सेफ उतना सही, बिल्कुल भी रिस्क नहीं, कुछ नहीं। बस माइनक्राफ्ट हार्डकोर है,
थोड़ी सी गलती, छोटी सी गलती एंड सब खत्म। जिसकी ये बेबी जॉम्बी, ये ले, अरे ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, इसका भाई भी आ चुका है, ये ले, ये ले, ये ले, अरे अरे ये ले, बस। ओ गाइस, तो थोड़ी सी लूट हो चुकी है, लगभग हमें 1 2 3 30 आयन तो मिल चुका है, थोड़ी सी और डिसेंट सी लूट भी मिल चुकी है, लेकिन अब निकल लेंगे बिकॉज जॉम्बीज एंड क्रीपर कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं अभी अल्लू अल्लू, तो फिलहाल बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे, इन्हें ऐसे निकल लेंगे। आई थिंक सो, एक मुझे रास्ता मिला था ऊपर जाने के लिए डायरेक्ट, ओशन से पानी था। अरे यार, ये चलो, तो आई थिंक सो ये साइड रास्ता है, वहाँ से डायरेक्ट निकल से बाहर निकल लेंगे, निकलो अभी ऐसे ऊपर। ऊपर तो आ चुके हैं, लेकिन हमारी बोट कहाँ गई? एक और जहाज बना लेंगे, वो बोट कहाँ पे है पता नहीं, कोई बात नहीं, बस बहुत सारे बोट्स है, बहुत सारा वुड है। तो अब निकल लेंगे वापस से हमारे स्पॉन पॉइंट के पास, हमारे बेस के पास। हमारा लेवल 30 भी हो चुका है, तो एक चीज एंचर करके देखेंगे हमें क्या मिलता है। आई थिंक 100 एंचर करके देखेंगे, होप करें हमें शार्पनेस 5 या फिर लूटिंग 3 मिल जाए, उस पर 100 को एंचर कर लेंगे। ओके, शार्पनेस 4 है, चलो कोई बात नहीं, सिर्फ शार्पनेस 4 ही मिला और कुछ मिला ही नहीं, कोई बात नहीं। एफिशिएंसी 4 है, एफिशिएंसी 4 ठीक है, लैपिस को याद रख देंगे, करेंगे आयरन स्मेल्ट कर देंगे, क्योंकि ब्लॉक्स बना के अंदर से ब्लॉक सेम करेंगे, ब्लॉक यहाँ पर रख देंगे, कुछ ब्लॉक्स यहाँ पे, एक स्टैक यहाँ पे स्मेल्ट कर देंगे, ये रहा ठीक है। बाकी का इतनी उसको दिया कर देंगे, जो ये स्पोर ब्लॉसम है इसको कह तो रख देंगे, लगा देंगे तो सॉरी, इसको कहीं तो भी लगा देंगे, सो हमारे वो स्पोर्ट्स थोड़ा इफेक्ट मिलता रहे हमें उसका। उसके लिए आई थिंक एक काम करेंगे, एक पॉलिश डीप स्लेट स्लैब ले लेंगे, स्लैब को यहाँ रख देंगे, इसके ऊपर रख देंगे, जब एंट्री पे सही रहेगा, होप सो उसकी इफेक्ट मिल जाए। एक मिनट, हमारे आई थिंक सो ऑफ है, सबको ऑन कर देंगे एंड इफेक्ट, यप देखो इफेक्ट मिलना स्टार्ट, कितना खूबसूरत लगता है ये। अब सबसे पहले सारा आयन ले लेंगे, कितना आयन स्मेल्ट हो रहा है उतना आयन, ठीक है ओके। तो 3 ब्लॉक्स बना लेंगे एंड एक एनुअल, फाइनली एक एनुअल बन चुकी है, कब से वेट कर रहा था एक एनुअल बनाने का। एंड हमारे पिकैक्स को मैक्स कर देंगे, एफिशिएंसी 5 एंड बैगिंग 3 एंड फॉर्चून 3 पिकैक्स, फाइनली एक बहुत ही खतरनाक वाला पिकैक्स बन चुका है हमारा, फाइनली पिकैक्स रेडी हमारा, बहुत ही सेफ पिकैक्स दिख रहा है। स्वॉर्ड शार्पनेस 4 ठीक है, एंड अब सारे टूल्स इंसर्ट करने गए अबे, तो वो इंसर्ट करेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम बनाने वाले हैं एक्सपी फार्म हमारा। तो हमें एक जॉम्बी स्पॉनर मिला था आज, अगर आपको याद होगा थोड़ी देर पहले, तो उस जॉम्बी स्पॉनर को कल हम एक्सपी फार्म बनाने वाले हैं, उस एक्सपी फार्म से सारे आर्मर्स को इंसर्ट कर देंगे, सारे टूल्स को इंसर्ट कर देंगे, फिर थोड़ा सेफ फील होगा, तब हम जाएंगे डीपर केव्स में एंड और ज़्यादा बिल्डिंग्स बनाना, एक्सप्लोर करना एंड डिफरेंट फॉर्म्स बनाएंगे। तो अगर वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कैसे सब्सक्राइब भी कर दो, थोड़ी सी हेल्प हो जाती है चैनल को ग्रो होने में, एंड अगर वीडियो को लाइक कर दो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है वीडियो को अलग पकड़ने के लिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।